Class 7, this is English class, chapter 11, the lost child. ओके, एक बच्चा क्या हुआ है, मेले में गुम हो गया है. अभी हाल फिलहाल भी आप लोग मेला गए होंगे, ठीक है. दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे देखते हो कि बहुत सारा भीड़ रहा था. हालांकि इस साल तो थोड़ा प्रॉब्लम है, भीड़ नहीं होगा और मेला भी शायद नहीं होगा इधर उधर कहीं भी, ठीक है, या हुआ भी होगा, ठीक है. तो उस भीड़ में अगर एक मान लो आम मेला रहे या आम ईयर रहता इस साल को छोड़ के, ठीक है, तो आप देखते हो बहुत भीड़ होता. उस भीड़ में एक छोटा सा बच्चा क्या हुआ है, गुम हो गया है. कैसे गुम हुआ और क्या हुआ है, ये हम लोग को इस कहानी में देखना है. ओके, इट वॉज स्प्रिंग टाइम, वसंत का समय था, ठीक है. तो मौसम तो अच्छा है, अनुकूल है. ए लार्ज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन वे आर ऑल गोइंग टू फेयर, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भीड़ में, बहुत ज़्यादा लोग, लड़के मर्द हो, वुमेन हो, बच्चे हो, ठीक है, सब कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं. मेला भीड़ तो लगता भी है, ठीक है. सम वॉक्ड, अदर वेंट इन बुकलब कार्ट्स, ठीक है. कुछ पैदल पैदल जा रहे हैं तो कुछ बैलगाड़ी से होके जा रहे हैं, ठीक है. कहाँ, मेला. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, ही वॉज फुल ऑफ जॉय. एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के पैरों के बीच से निकलता हुआ, मतलब सोचो कि साथ साथ ही चलता हुआ, दौड़ता हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा खुश. और मेला जाने के लिए बच्चे ऐसे भी खुश होते ही होते हैं, ठीक है. मम्मी हमको मेला जाना है, पापा मुझे मेला जाना है, ये लेना है, वो लेना है, यहाँ जाना है, और नहीं लेके जाओ तो रोने लगना है, ठीक है. तो बच्चे क्या है, बच्चा क्या है, खुश है. एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ दौड़ते दौड़ते मेला की ओर जा रहा है और पूरा खुश है. कम कम चाइल्ड, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स. के अब इधर उधर बच्चा जब भाग जाता है तो उसके मम्मी पापा बुला रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है. आओ आओ इधर आओ बाबू, इधर आओ, ठीक है. एज ए स्टॉप टू लुक एट द टॉयज इन द स्लोप दैट लाइंड द वे, ठीक है. वो बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक गया. कहाँ पे रुका है, तो खिलौनों ही की दुकान के पास, खिलौना ही खुनालन लगा हुआ है, खिलौना हर तरफ. और उसको उस लाइंड में खिलौने को देख के क्या करता है, थोड़ी देर वहाँ पे बच्चा ठहर जाता है. और बच्चा है तो खिलौना देख के तो ठहरना बनता भी है, ठीक है, कि मुझे ये दो वो दो, ये लेना है वो देना है, ठीक है. तो ऐसे बच्चा वहाँ पे क्या हुआ, रुक गया. और जब वो रुक गया तो उसके मम्मी पापा बुला रहे हैं, आओ आओ चलो बाबू चलो. द चाइल्ड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने बच्चा जो है अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, भागा. बट हिज आइज स्टिल लिंगर्ड ऑन द टॉयज, लेकिन आँख उसका अभी भी कहाँ है, उस खिलौने के ऊपर ही जमा हुआ है. भाग तो गया, पैरों से वो सोचो शरीर से वो मम्मी पापा के पास है और दिल से खिलौने वाले की दुकान के पास, ठीक है. ही रीच्ड देयर वेयर हिज पेरेंट्स हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे आने का, ठीक है, जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे वो भी जाता है, रुकता है, ठीक है. ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर, वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया. क्या इच्छा था, खिलौने के दुकान पे खिलौने को देखने के बाद एक बच्चे को जो इच्छा होगा वही इच्छा उस बच्चे में भी था, और वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, वो छोड़ नहीं पा रहा था उस इच्छा को, ठीक है. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो गिड़गिड़ाया, वो विनती किया, क्या किया, कि मुझे वो खिलौना चाहिए, पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे वो खिलौना दिलाओ ना, मुझे वो खिलौना चाहिए, ठीक है, मुझे वो लेना है, ये लेना है. जैसे आप लोग भी बच्चे हैं या बच्चे और थोड़े छोटे बच्चे कैसे जिद करते हैं मम्मी पापा के साथ आते हुए, वो जाते हैं मेले में तो वो भी क्या क्या जिद किया, मुझे पापा ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, तो ये भी वहाँ पे जाके बोला मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, वैसा वो प्लीडेड किया, वो गिड़गिड़ाया, वो विनती किया अपने माँ बाप से. हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज फेमिलियर क्रूएल वे, ठीक है, उसके पापा उसको घूरते हुए देखते हैं क्रूएल वे में, ठीक है, तुम क्रूर के साथ मतलब टेढ़ा करके सोचो तो गुस्से में किसको देखते हैं, बच्चे को, अक्सर आप लोग के साथ भी होता होगा. हिज मदर गेव हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड, उसकी मम्मी अपना उंगली देती है और बोलती है पकड़ो. लुक चाइल्ड लुक सी सेड, बोलती देखो देखो इधर देखो बाबू इधर देखो, ठीक है. She looked what is before you, the pleasure of what was before him filled his eager eyes, ठीक है. और जब मम्मी बोलती है देखो देखो सामने में क्या है क्या है, ठीक है, मम्मी ऐसे फुसलाती है ना उसे, उसके बाद देखो देखो तो यहाँ क्या है, तो वो भी बेचारा उसी खुशी में उसी ईगरनेस के साथ उसी उत्सुकता के साथ उधर देखना शुरू कर देता, मतलब मन को बहलाने के लिए उसको डाइवर्ट करने के लिए. जब मम्मी ये बात बोलती है तो बच्चा भी क्या करता है, उधर देखता है पूरे ईगरनेस के साथ. दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, वो लोग डस्टी रोड से निकल के आगे बढ़ चुके हैं, मतलब वो जो कच्ची रास्ता है उसे निकल गए हैं. नाउ दे हैड इंटर ए फुटपाथ इन ए फील्ड, वो लोग कहाँ चले आए हैं, अब एक फुटपाथ में चले आए हैं, इन ए फील्ड, एक
मैदान है, एक खाली क्षेत्र है. इट वेंट थ्रू द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उस पूरे फील्ड में क्या लगा हुआ है, हर तरफ मस्टर्ड फ्लावर फील्ड है, मतलब सरसों का पौधा लगा हुआ हर तरफ, ठीक है. द सी ऑफ येलो फ्लावर्स लुक लाइक ए मेल्टिंग गोल्ड, और हर तरफ जब वो फूल फूलता है सरसों का तो पीला पीला हर तरफ फैला हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से सोचो कि वो मेल्टिंग गोल्ड, सी ऑफ द येलो फ्लावर्स, समुद्र के जैसा एक पूरा का पूरा बड़े से क्षेत्र में सरसों का फूल फूला हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि येलो फ्लावर्स का एक समुद्र है. और कैसा लग रहा है वो मेल्टिंग गोल्ड्स, पिघलता सोना, क्योंकि सोना भी क्या होता है, येलो टाइप होता है. इट्स स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, वो कहाँ तक फैले हुए हैं, मीलों मीलों तक, दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रहा है सिर्फ वो सरसों का पौधा, सरसों का फूल, यही दिख रहा है. एंड लुक लाइक रिवर ऑफ येलो लाइट, और ऐसा लग रहा है कि येलो लाइट का एक रिवर, एक नदी के जैसा बन गया, किस चीज़ का, पीली नदी, पीला जैसा नदी, पीले रंग का एक नदी की तरह फैला हुआ सरसों का पेड़. Attracted by the sea of the beauty, the child left footpath and ran into the field. उस समुद्र, उस खूबसूरती के समुद्र की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, वो सरसों के पेड़ों की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो child left footpath and ran into the fields. वो अपने रास्ते को, अपने फुटपाथ को, पगडंडी को छोड़ते हुए मैदान की ओर दौड़ जाता है, खेतों की तरफ चला जाता है. कौन, वो बच्चा. A group of butterflies were flying about on their colorful wings. वहाँ क्या देखता है कि एक butterflies का झुंड, एक group क्या कर रहा है, उड़ रहा है flowers के बीच में अपने colorful wings को लिए. तो बच्चा को जब भी तितली दिख जाए तो बच्चा बहुत ही attract हो जाता है उसके तरफ, ठीक है. तो वो तितलियों का एक झुंड अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ इधर से उधर क्या कर रही है, उड़ रही है, और बच्चा भी उधर ध्यान मग्न हो के, बच्चे का भी ध्यान उधर ही चला गया, वो भी उसे ही देखने लगा. Suddenly one of them would fold his wings एंड शिट डाउन, उनमें से एक, उन तितलियों में से एक अपने पंख को समेटने के बाद बैठ जाती है, मतलब धीरे धीरे वहाँ पे फील्ड में वो नीचे उतर जाती है, बैठ जाती है. द चाइल्ड वुड ट्राई टू कैच इट, और जब भी बच्चा को ऐसा कुछ होगा तो बच्चा क्या चाहेगा कि मैं उस तितली को पकड़ लूँ, तो वो भी पकड़ने के लिए उधर जाता है, वो चाहता है कि मैं इसे पकड़ूँ, इस तितली को मैं पकड़ लूँ. बट वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज इट इन हिज हैंड इट वुड गो फ्लटरिंग इन द एयर, लेकिन जब भी वो बच्चा उसके पास जाता है, उस बटरफ्लाई के पास जाता है और अपने उसे पकड़ने ही वाला होता है, कि बटरफ्लाई क्या होती है, वहाँ से अपने पंख को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती है. ये अक्सर होता होगा, आप लोग भी जब ट्राई करते होंगे तितली पकड़ने के लिए, ठीक है, तो जैसे उसके पास जाते हैं तब तक वो बैठी रहती है, लेकिन जैसे आप अपना हाथ बंद करना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, वो उड़ जाती है, ठीक है. ऐसा इस बच्चे के साथ हुआ, मतलब बच्चे के साथ सुबह से कुछ हाथ ही नहीं आ रहा, ना टॉयज आया ना तितली आई. One bold butterfly nearly settled on his shoulder. Before he could catch it, his mother called out, "Come child, come, come on the path." अब उनमें से एक साहसी bold butterfly क्या करती है, उसके shoulder पे आके, कंधे पे आके बैठ जाती है. इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, उसे पकड़ पाता, क्योंकि कंधे तक तो खुद आ गई है, पकड़ पाता, उसकी मम्मी क्या करती है, उसे बुला लेती है, बाबू इधर आओ चाइल्ड कम, ठीक है, कम ऑन द पाथ, रास्ते में आओ, कहाँ तुम खेतों में दौड़ रहे हो, ठीक है. ऐसे करके उसकी मम्मी उसको क्या करती है, बुला लेती है. एक तो कुछ हाथ आ नहीं रहा और एक खुद ही जब हाथ आने वाला, तो उसकी मम्मी उसे बुला लेती, किसको, जब वो बटरफ्लाई को पकड़ने वाला होता है तो उस बच्चे को उसकी मम्मी बुला लेती है. कहाँ बुलाती है, तो बोलती वापस फिर रास्ते में आ जाओ, ठीक है. तो ये कहानी को हम लोग फिर आगे लेके जाएंगे. ये बच्चा अभी मेला जा ही रहा है, अब मेले में फिर क्या क्या होता है, मेला इंटर होने के बाद क्या क्या देखता है, फिर वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, वो सारा कुछ स्टोरी में पता चलेगा, ठीक है. थैंक यू.